बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और दूसरों की खैरियत की भी दुआएं करते होंगे। जी तो दोस्तों, आप जैसा कि हमारा ये कीकर देख रहे हैं और खजूरें देख रहे हैं, और ये जो आपको कीकर सामने नज़र आ रहे हैं, पीछे इसके साथ तकरीबन 10 मरले की खाली जगह हैं, 3 खेले हैं उसके ऊपर और कच्चे किया है खाला, और बाकी ये पीछे आपको पक्का खाला इस एकड़ में नज़र आ रहा है, और उससे पहले 1 एकड़ है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, उसमें भी 1 कीकर है और ये भी 1 कीकर है परली साइड का, इसका कीकर गिर चुका है। ये खसी कीकर है जो कि लकड़ी जलाने में बेहतरीन इस्तेमाल होता है, और ये इसमें से हम तकरीबन 8-10 पूर लकड़ी को खींच गए, और ये आखिरी पूरी साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये अब हम खींच के जाएंगे। और ये बाइक के साथ हमने टोचन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ट्रैक्टर और रेडी वगैरह अवेलेबल नहीं हुई, ट्राली वगैरह काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो पंचर थी, 3 ट्रालियाँ थी लेकिन वो नहीं हो सकी, रेडी वगैरह भी मसरूफ़ थे, बिज़ी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये हम अब आखिरी पुर खेच के जा रहे हैं आज का। और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि पीछे ये हमारा पीछे ये जो सिस्टम पड़ा हुआ है, एक पूरी है छोटा सा, और ये जो है आपको करीब से दिखा रहे हैं, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 नग जो है वो बड़े पड़े हैं तकरीबन अंदाज़े से, और बाकी जो है त्रिम्बू पड़ी हैं। ये त्रिम्बू भी 450-450 रुपये मान जो है बिकती हैं, जो ऊपर से छंटाई के बाद मिलती हैं हमें, तो 8 गड्ढे अगर हों या 10 गड्ढे हों तो 450-450 रुपये मन के हिसाब से आप हिसाब लगाएं तो कितना अच्छा खासा पैसे जाके बनते हैं। तो ये हम हर साल छंटाई करा के तो जो है वो घर इस्तेमाल के लिए त्रिम्बू और ये लकड़ी वगैरह करते हैं, बाकी जो है कीकर की लकड़ी जो अगर आप 450-450-500-600 रुपये मान जो आजकल तकरीबन चल रहा है, तो वो इस तरह से आप बना के खुद ही टुक के अगर सेल आउट करते हैं, या यहीं से वो आपको सेल आउट ले जाएंगे, बना जाएंगे, टुक जाएंगे और त्रिम्बू भी ले जाएंगे इसी हिसाब से तकरीबन अंदाजे से कुछ 150 ऊपर नीचे करके। तो ये बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस है, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने घर का चूल्हा जो है देहातों में जो चलाया जाता है वो भी बेहतरीन तरीके से चलाया जा सकता है। जैसे कि परे मिर्चे हैं, इधर हम मकई काश करेंगे, इस तरफ कपास है, परे आपको मकई और उसके परे कपास, और ये जो है राई वगैरह और धान वगैरह चावल वगैरह, और इसी तरह घास वगैरह पूरे 1.5 एकड़ में नज़र आ रहा है, भूसा भी उस तरफ पड़ा हुआ है, इस तरफ भी परली तरफ भूसा पड़ा हुआ है, और इधर भी भूसा बाइक के पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि जानवरों का काम भी आप साथ कर सकते हैं। इधर हमारे जानवर भी चरते रहते हैं, इधर इस एकड़ में वो भी चर लेते हैं और वो भी चरते रहते हैं दिन में, और जब ये मकई हो जाएगी काश्त तो फिर जो है ये काश्त के काबिल हो जाएगा। फिर आपको सामने ट्रैक्टर डिक्स मारता नज़र आ रहा होगा, रूसी जो आपको खेले निकालते दिखाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेस है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रेंट पे चल रहा है इस वक्त एक भाई का। तो आप जो है अपनी काश्त भी ट्रैक्टर रख के कर सकते हैं, और अवज़ार हों तो आप रेंट पे भी करा सकते हैं काम लोगों से, अपना जो है जो भी हो। कीकर का सामने एक आपको बाग है, जंगल सा नज़र भी आ रहा होगा अच्छा खासा, ये जो है डेमला हमारा मशहूर था खजूरों का, तो इधर जो है फाल से खजूरें और इस तरह के बागात, जामन और बेर, बड़े मोटे मोटे डेमला यानी कि मशहूर बेर से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी सक्सेसफुल बिज़नेस उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये दरख्त तकरीबन काफ़ी अच्छा हो गया, लगे हुए हैं, तो ये अब अच्छे खासे सेल आउट होंगे। 2 साल बाद तकरीबन 2 मन का कीकरी छोटी सी हो जाती है, और ये 8 साल बाद आपको अच्छे खासे 1 एकड़ में से 40 से 45 लाख भी दे सकता है कीकर। तो आप ये कीकर का बिज़नेस करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा सक्सेसफुल होगा। खजूर खाएँ वो भी बीज में लगा सकते हैं आप, कुछ गैप पे अगर आप लगाते हैं, ये जैसे 3 खेलें आपको सामने नज़र आ रही हैं, तो इन 3 खेलों में 1 खेल दरमियान में खाली रखी जाए, और परली खेल और इधर वाली खेल पे कीकर लगाया जाए, तो 1 एकड़ में जो है तकरीबन आपके 50 या 24-25 कीकर भी लग जाएं, तो आपके काफ़ी काश्त के लिए मयस्सर हैं और बेहतर हैं, तो ये सक्सेसफुल बिजनेस है। पानी भी लगाएं कसी के ज़रिए, इधर से ये जो कच्ची है इधर से टुक्के से लग सकता है, और वो जो है वो नक्का सामने आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा है। इसी तरह परले एकड़ में भी हमने एक नक्का रखा हुआ है, तो हर एकड़ पे आप नक्का ही देंगे तो आपके लिए मुफीद बन जाएगा। परे जो हमारा 8 एकड़ का प्लाट है उसमें 2 खज्जियों के तले आपको नज़र आ रहे होंगे, उसमें हमने 2 नक्के रखे हुए हैं, यानी कि एक वो बिल्कुल कॉर्नर में मोड़ में पड़ा हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इस तरफ पड़ा हुआ है,
तो ये जो है दोनों साइडों से जब हम लेज़र करवाते हैं तो चार चार एकड़ के हिसाब से वो हम पानी लगा लेते हैं। तो बाकी ये है कि दरख्त का ये आपको बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस नज़र आया होगा। और ये देखें बीटी कपास लगी हुई है इसमें, काफ़ी और कुछ चीज़ें भी लगी हुई थी, रवान लगे हुए थे, प्याज थे, वो सब इन्होंने निकाल लिए हैं। ये हमारे मुजेरे हैं तो इन्होंने जो है हर चीज़ इधर से निकाल ली है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इनका बिज़नेस है, दूसरे माह से इन्होंने जो है इसे स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो है मैं इनकी कपास अब जो है यहाँ पर लगी हुई है बीटी, तो ये एक दफ़ा चुनाई हो चुकी है, अब बारिश आ गई है तो ये वज़नी हो गई। आपको करीब से अगर हम दिखाएँ तो बड़ा जो है इन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस किया हुआ, बूटे बड़े लदे पड़े हैं कपास से है। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल जो है वो देखें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बूटे हैं। ये देखें बीटी की कपास है और बड़ा अच्छा बीज इन्होंने काश्त किया हुआ, फूल लदा हुआ है जैनों से, फूल से और कपास से। वो देखें आपके सामने, अगर इसमें आपने कोई कपास के मुतल्लिक, ये देखें फूल गुड्डी लगी हुई है, डेनू लगे हुए हैं और ये सांगली जिसे हम सराकी में बोलते हैं वो खिंडी हुई है, फैली हुई है। इसमें बारिश आ गई है, वजनी हो गई, अब ये चुना कर बिकवा लेंगे तो इन्हें बड़ा अर्निंग होगी। और वो इस तरफ सामने जो छोटा 480 ट्रैक्टर चल रहा है उस तरफ रूसी है, इस तरफ 480 है, ये हल मार रहा है। तो ये भी ज़मीन मकई की तैयार कर रहा है और वो भी मकई की ज़मीन तैयार कर रहा है। अब हम जो कॉर्नफ्लोर मकई काश्त करेंगे तो वो जो है आपको बड़ा मुफीद बिजनेस है, यानी कि शुगर वाले मरीज़ मकई का आटा इस्तेमाल करें तो बड़ा उनके लिए मुफीद है। ये चिल्ली का जो है 1 एकड़ काश्त हुआ है, मरज का शैतान मरज काश्त हुई है, ये बहुत उतर रही है, तकरीबन दूसरे माह से ये भी काश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है जो इनकी चिल्ली है मरज है वो उतर रही है और अभी ये 7वां माह चला है, तो 6 माह में तकरीबन 1 एकड़ से इन्होंने 1.5 2.5 लाख के करीब मरज अंदाजन बेच ली है। तो जो हमारे इधर इर्द गिर्द के लोग बताते हैं, बाकी ये देखें कि करब हमने ये जैसे छंडवाया है तो इतना बड़ा लड़ा अगर आपको मिल जाए तो और मेरे भाई आपको क्या चाहिए, इतनी मोटी लकड़ी जो है आप अर्न कर सकते हैं इससे 1 एकड़ से। हमारा पुराना कीकर ठहरा है इधर, हमारी 1 एकड़ में जंगी होती थी पहले, यानी कि पूरा 1 एकड़ कीकर वगैरह का ही था, जंगल था पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब ने जो है उससे भट्टी बनाई और फिर ईंटें लगाई और फिर हमने बर्फ़ की फैक्ट्री जो है उन ईंटों से लगाई। इधर करीब ही एक जलाजीम है उस शहर में, तो ये जो है ये आपको लकड़ी भी नज़र आ रही होगी, तो ये उन कीकरों में से एक कीकर है, खसी कीकर है, जलाने के अच्छे काम आते हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारा ई मेल एड्रेस ehsanikbalkp38@gmail.com और व्हाट्सएप से एल नंबर 0300297830410 329 78 341 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन या कोई कमेंट्स हो तो आप हमें दे सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर मोहम्मद एहसन इकबाल।